अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ले जी दोस्तों, आज जो है बर्ड्स अपडेट की जो नई वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें ये देखें, सबसे पहले तो ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह से अब बाहर आ गए हुए हैं और खुद दाना खाना शुरू हो गए हैं। और ये वाला पेयर जो है ये दोबारा अंडों पर आ गया हुआ है, वो देखें मादी ने अंडा भी दे दिया हुआ है दोस्तों। मैंने अभी देखा है इस मादी ने जो है दोबारा अंडा दे दिया हुआ है, ये देखिए। और इसी के साथ जो है आज जो है एक नई गुड न्यूज भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखिए हमारे जो ये लको का पेयर है, इसके इसका बच्चा भी जो है माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ ये मादी भी जो है वो अंडों पर बैठी हुई है, जो इस पेयर के साथ लगी हुई थी, इस मेल के साथ। अब आपको अंदर जो है जो एक नई आज न्यूज आपको सुनानी थी दोस्तों, हमारे जो है डफ काफी दिनों से जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही थी, जो पिछले कई दिनों वीडियोस में जो है हमने डफ के लिए जो है यहाँ पे ये जगह बनाई हुई थी। ये देखें, मैं ये भी लेकर आया था, लेकिन डफ जो है यहाँ पर कम्फर्टेबल नहीं थी। वो एक तो दाना नहीं थी खा पाती और ये कबूतर वगैरह जो हैं उनको काफी ज्यादा तंग करते थे। तो आप लोगों के सामने दोस्तों उनको मैंने इस पिंजरे में शिफ्ट किया था, ये वाले पिंजरे में, ये देखें। और ओवल फिंच को भी देख लें आप, इसकी जो दोस्तों फीमेल है वो बॉक्स के अंदर ही रहती है। अब इसका मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि ये पेयर है कि भी नहीं है, लेकिन दोस्तों फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर ही रहती है और ये मेल जो है अक्सर बाहर ही रहता है। और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो इन डफ के लिए ही मैंने बनानी थी, क्योंकि इनकी जो है अपडेट आपको शेयर करनी थी आपके साथ। ये देखें दोस्तों, इनको यहाँ रखने के बाद जो है हमने ये इनके लिए सेटिंग बनाई थी जहाँ पे ये अपनी नेस्टिंग वगैरह कर सकें। और यहाँ पे माशाल्लाह से इस फीमेल ने जो है वो अंडा दे दिया हुआ है और बहुत जल्द हम इसके बच्चे भी देखेंगे। ये देखें दोस्तों, ये देखें आपको यहाँ पे अंडा नजर आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों, इसका अंडा नीचे एक अंडा इसने दे दिया हुआ है। मैं एक सेकेंड इसे चेक कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, एक अंडा जो है वो इसने दे दिया हुआ है और इंशाल्लाह दूसरा अंडा भी ये बहुत जल्द दे देगी। तो दोस्तों मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतने दिनों से इनको रखा हुआ था लेकिन ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं थे हो पा रहे, लेकिन इन्होंने जो है इस जगह में अपनी नेस्टिंग कर ली है और यहाँ पे अंडा दे दिया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें से बच्चा भी निकल आएगा। और ये देखें, ये बंगलादेश फिंच जो हैं वो भी अपनी जगह पे खूब मज़े से रह रही हैं। और दोस्तों ये जो हैं बंगलादेश जो हैं अक्सर जो है अपने अपने बॉक्स के अंदर ही होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ मुर्गियाँ बाकी हैं। ये देखें इनकी परों की आवाज़ की वजह से और इनकी जो ये मुर्गे बांग देते हैं इनकी वजह से जो है ये डर के अक्सर अंदर ही बैठी रहती हैं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके लिए जो है सेटअप हम ज़्यादा कर देंगे और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इनके लिए सेटअप। ले तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दुआ करिएगा दोस्तों कि हमारी जो डव हैं वो अच्छे से जो है अपने अंडों को इनको वेट करें और हम जल्द से जल्द उनके जो हैं बच्चे यहाँ पर देखें। और दोस्तों ओवल फिंच भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे दे देंगी, तो उनका भी हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है ताकि वो भी अंडे दें और हम उनके भी बच्चे जो हैं यहाँ पर देखें। तो इसी वीडियो के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।